ग्राम पंचायत में जितने भी लोग होते हैं, घर होते हैं, यहाँ कितने ऐसे साथी हैं जो किसी ना किसी ग्राम पंचायत से जुड़े हुए हैं? कितने लोग हैं ऐसे? 90% तो है ही है भाई। आप शहर में हो तो हो सकता है ये आपका नगर पालिका हो गया होगा, बट ग्राम पंचायत तो आप जानते होंगे ना क्या होता है। इसका 10% कितना होता है? लगभग 800, सॉरी ओहो 800, 810 है ना। चलिए मैं 800 ले लेता हूं। अगर हम चाहें तो ग्राम पंचायत के किसानों के साथ मिलकर के 800 फैक्ट्रियां हम लोग अकेले बिहार में खोल सकते हैं। कैसे? छोटा सा एग्जांपल लीजिए, किसान कितने लोग हैं यहाँ पे? किसानी के जो करते हैं किसान कितने लोग हैं? ओके, जो किसान होता है ये अपना उत्पाद, उत्पाद मतलब प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए गेहूं की बात करें हम, तो गेहूं उसने उगाया वो कहां बेचने जाता है? मंडी में। क्या मंडी में उसके मन का भाव मिलता है जितना वो चाहता है? मजबूरी में उसको बेच के आता है क्योंकि उसके घर को पैसा चाहिए। लेकिन यदि हम ये बोले कि आप सभी किसान हैं यहाँ पे, आप अपनी अपनी खेती करते हैं, तो आप भाई साहब एक काम करो, ये सामान जो आपने उगाया है इसको उगाने में पहली बात तो हम आपकी हेल्प करते हैं कि आपको हम ऑर्गेनिक बीज और ऑर्गेनिक खाद, समझ रहे हैं क्या है, पेस्टिसाइड हो, जैसे नीम और काढ़ा बना करके पेस्टिसाइड बनाया जाता है, तो ऑर्गेनिक बीज और ऑर्गेनिक खाद का हम आपके ग्राम पंचायत में एक छोटा सा यहाँ पर स्टोर खोलेंगे और आपको बताएं कि इस बीज को उपयोग करके आप अपने खेतों में ऑर्गेनिक गेहूं या दालें जो भी अपने बनती हैं उनको उगाइए और जितना भी आपका उत्पाद होगा, प्रोडक्शन होगा, उसको हम यहाँ लेके आएंगे। आप कहाँ लेके आएंगे? ग्राम पंचायत में। कोई एक ग्राम पंचायत नाम बताएगा मैं? करताहा, ऐसे ही है सर, करताहा करके एक ग्राम पंचायत के सर ने नाम लिया और इस ग्राम पंचायत में लगभग जितना मेरा आइडिया है लगभग लगभग 1000 घर तो होंगे सर, और 1000 घर का 10% कितना होता है? 100 घर। 100 घर के किसानों से हम बात करें कि आप हमारा प्रोडक्ट यूज कीजिए, कौन सा खाद बीज जो हमारा रहेगा वो यूज कीजिए और जितना प्रोडक्ट बनेगा वो आप हमारे पास लेके आइए। किसके पास? हमारे पास लेके आइए। हमारा कौन है? तो हम उसी गांव में यदि किसान को एक सेवा दे दें कि हम वहां पर एक वेयर हाउस खोलें, क्या खोलें? वेयर हाउस खोलें और वहीं पर एक फैक्ट्री डालें, किस चीज की? आटा की, ठीक है, आटा फैक्ट्री, जो फ्लोर मिल बोलते हैं। तो हम लोग फैक्ट्री डालने के लिए पैसा तो वैसे ही दे रहे हैं, तो अब हमें ये पता चला कि इस गांव में इतना उत्पादन हो रहा है, यदि हम किसान को भी उसमें पार्टनर बना लें और यहां पर एक हम फैक्ट्री डालें प्लस एक वेयर हाउस डाल दें, तो फैक्ट्री खोलने के लिए मान लीजिए 40 लाख रुपए चाहिए। कितना चाहिए? 40 लाख। और वेयर हाउस कितना चाहिए आपका? 1 करोड़ के आसपास, ठीक है। तो 40 लाख रुपए हम लगाएंगे। अब यदि किसान को आप ये बोले कि भाई साहब तुम पूरा जो है गेहूं सीधे मार्केट में मत बेचो, आपके पास एक सुविधा यदि हो जाए कि आप ही के गांव में आपके द्वारा हमारे द्वारा मिलके एक हम क्या डालेंगे? फैक्ट्री डालेंगे और अब आपके अपने गेहूं को पिसाई करके आप उसको प्रोडक्ट बना के बकायदा पैकेजिंग बना के 5 किलो का, 2 किलो का, 1 किलो और इसको मार्केट में बेचें, तो कितने किसान राजी होंगे? होंगे नहीं होंगे? मैं कोई अनएथिकल बात तो नहीं कर रहा हूं, आप सदमे में आ गए क्या? सदमा तो नहीं लग रहा है? हमने सिंपल अपने किसानों के साथ मिलकर के अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो आइडियोलॉजी है दोनों को जोड़ दिया। अभी तक हम क्या बोलते थे, कौन फैक्ट्री लगाएगा? पता नहीं कितने हाथ उठेंगे। अब हमें यह पता है कि यहां फैक्ट्री लगेगा, क्लियर है। तो प्रॉपर एक रोड मैप है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग लगातार ग्राम पंचायत में संपर्क करके पहले वहां स्टोर डालेंगे, किसानों को सामूहिक रूप से इकट्ठा करेंगे, जितना भी उनका गेहूं, ऐसे तो है ना कि हम वेट करना है हमें कि अगले साल गेहूं आएगा, पहले से गेहूं पड़ा हुआ है वहां पर। तो इससे हमारा 2 फायदा होगा। यदि मान लीजिए एक किसान ने 1000 किलो गेहूं उगाया, कितना? 1 टन। तो यदि हम किसान को बोलते हैं कि तुम इसके 2 पार्ट करो, 500 किलो गेहूं तो पिसाई करके इसको हम क्या करेंगे? पैकेट में कन्वर्ट करेंगे, 5-5 किलो के जो है आटे बनाएंगे, और 500 जो किलो गेहूं है वो तुम कहां रख दो? वेयर हाउस में। क्या हमें उसके अनाज का पैसा देना पड़ा? देना पड़ा नहीं ना भाई, किसान का काम करवा रहे हो आप, तो ये थोड़ी बोलेगा भाई एक काम करो पहले 22 रुपए का मुझे आप रेट दे दो बाद जो करना करो, ऐसा तो नहीं बोलेगा। फैक्ट्री किसकी है? किसानों की है। फंडिंग किसने दी है? हम सबने मिलके प्लस किसान ने मिलके फंडिंग दी है। जो 30% वाला जो पार्ट है उस 30% पार्ट में वो किसान भी है और हमारा साथी भी वहां पर कोई रहेगा जो कि उसको संभालने में उसकी मदद करेगा और हमारा उसको ओवरटेक करके वहां से भी उसको कंप्लीटली गाइड करती रहेगी। मार्केटिंग, ब्रांडिंग, प्रमोशन कौन कर रहा है?
हमारा कर रहे हैं। प्रोडक्शन कहां से आ रहा है? गांव से आ रहा है। रॉ मटेरियल कॉस्ट क्या हो गया हमारा? जीरो। ऑपरेशन कॉस्ट क्या लगेगा? मात्र इलेक्ट्रिसिटी प्लस कुछ लेबर। कुछ आ रहा समझ में यहाँ पे? हमने एक वेंचर क्रिएट किया। आज तक बड़ी बड़ी संस्थाएं, चाहे वो ITC हो, चाहे और भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, वो केवल जो है किसानों से गेहूं परचेज करती है, उसको जाके अपने तरफ से जो उनका सिस्टम है उसको ट्रेड करके आगे सेल करती है। हम बात कर रहे हैं किसानों के साथ मिलकर के उन्हीं के पैसों से प्लस अपने पैसों से मिलकर के एक फैक्ट्री डालें, राइट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पैसा किसान बहुत कुछ दे पाएगा। यदि आप यहाँ 40 लाख रुपए की बात कर रहे हैं और ये 40 लाख रुपया इकट्ठा करना है, तो हम ज्यादा कुछ नहीं करना है, केवल हम यहाँ पर 40 लाख रुपए को 1000 लोगों से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। कितना हुआ सर पर पर्सन? कितना हुआ? 4000 रुपए का इन्वेस्टमेंट केवल 1000 लोगों का जाएगा, जिसमें यदि वहां के 10 या 20 किसान भी हो गए तो कितना पैसा लगा उनका? कुछ भी नहीं, राइट। बाकी कौन करने वाला है भाई? हमारे पास 20,000 लोग हैं पूरे इंडिया में, उसमें से 1000 लोगों से फंड लेना कोई बड़ी बात है क्या? नहीं ना। तो ऐसे रातों रात हमारी 800 फैक्ट्रियां केवल जो है आपके बिहार में हम लोग पैदा कर सकते हैं। फैक्ट्री यदि बिहार में हो गई तो हम लोग यदि आज 8 राज्यों में हैं तो 10,000 इंडस्ट्रीज में बोल रहा हूं। क्या ज्यादा बोल दिया क्या सर? हैं, कई लोग बोलते थे आप जो बोल रहे हैं वो हो भी पाएगा, तो वो उनके दिमाग की उपज थी। ये 10,000 मेरे दिमाग की उपज है। अब इसको आप चाहे खुरापाती दिमाग बोल लीजिए, चाहे आप पीड़ित दिमाग बोल लीजिए, अब बोल दिया है तो बोल दिया, करना तो पड़ेगा, राइट। तो ये 10,000 इंडस्ट्रीज जो है रामायरा की इंडस्ट्रीज की होंगी, और जितना भी पैसा होगा पब्लिक का होगा, हक होगा पब्लिक का होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी पब्लिक की होगी। रामायरा कितना कमा रहा है हर कंपनी से? मात्र 5%। आप सोचिए कि 5% कितना होता है। आज तक आपने बच्चे को पढ़ाया होगा तो उसके उसका कितना परसेंट मार्क आता है? मैक्सिमम 100%। इसे तो ऊपर नहीं होता ना, 100% ही होता है मार्क। लेकिन जब आप बड़े व्यापार को चुनते हैं तो वहां परसेंटेज में शुरू करें सर, जब आप बड़े व्यापार को करते हैं तो बड़े व्यापारी लोग परसेंटेज में पैसा नहीं कमाते हैं। आपको उदाहरण दो, जियो का सिम कितने लोग यहां यूज करते हैं? क्या बात है, मैक्सिमम है? आप नहीं करती मैडम? करती तो ऐसे करिए ना, हाँ सब लोग जियो है ना। अगर आपने दिन में केवल एक सिंगल कॉल किया और उससे मात्र 0.25 पैसा, 25 पैसा ही उसको एक कॉल से गया, या 0.1 पैसा भी गया एक कॉल से, तो कितने में बात करते हैं आप लोग? हाँ, या 0.001 पैसा भी गया तो कितने लाख कॉल जो है एक दिन में होते हैं? क्या उसकी इनकम को परसेंटेज में आप काउंट कर पाएंगे? ऐसा चाहते नहीं चाहते आप लोग? चाहिए नहीं चाहिए? तो रामायरा भी कुछ ऐसा ही कर रहा है। हमारा पर्पस क्या होता है कि एक जगह से 100 रुपए नहीं कमाना है, 100 जगह से 1-1 रुपया कमाना है। आज यदि आप कॉल नहीं करेंगे तो क्या रिलायंस को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं ना। ऐसे ही हर चीज में होता है। बाटा का जूता कितने लोगों ने पहना हुआ है? बाटा की दुकानें कितने लोगों ने देखी हैं? देखी होंगी ना। बाटा की दुकानें मतलब फ्रेंचाइजी सिस्टम, मतलब 2-4 दुकानें बंद भी हो गई तो सारी दुकानें तो बंद नहीं होंगी ना। हाँ, लॉकडाउन लग जाए तो बात अलग है, वो तो पूरा देश बंद पड़ा हुआ है, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि काम ऐसा करें जहां से छोटा 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 पैसा कई जगह से आए। तो यदि रामायरा में हर फैक्ट्री से कितना आ रहा है? 5%। हमारा पहला जो टारगेट है कितना है वो? 10,000 के यदि 5% से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हुआ? हाँ, पक्का 50,000 परसेंटेज। 100 से ऊपर तो नहीं सुना था आपने। ये पैसा कितना होगा, कुछ आइडिया है इसके बारे में? हाँ, अरबों में होगा। अच्छा, यस। एक बड़ी कंपनी जो कि आज विश्व के टॉप 1 पे है, वो कौन सी है? एप्पल और टाटा। हाँ, टाटा, मैं टॉप 5 की बात कर रहा हूं। माइक्रोसॉफ्ट और बहुत सारी कंपनियां हैं। इनका व्यापार कितने क्षेत्रों में होता है, मतलब कितने? 2-4-5 क्षेत्र है। जैसे आपने एप्पल का नाम लिया, एप्पल क्या बनाता है? केवल एक प्रोडक्ट हुआ, और तो कुछ नहीं बनाता ना। और एक प्रोडक्ट से पूरे इंडिया वर्ल्ड में टॉप 1 पे है। जब आप यहां पर 10,000 इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं तो कौन से नंबर पे होगा ये? होगा नहीं होगा? 2025
टॉप वन और कोई टू भी नहीं चलेगा। वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन में यदि नाम आएगा तो पर्सन नहीं आएगा, पीपल आएगा। क्या आएगा? पीपल्स आएगा। आज तक किसी एक को वो चेहरा मिला है कि भाई साहब ये दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, लेकिन जब बात आएगी कि रामायणा का इतना सारा परसेंटेज आ रहा है तो कौन खाएगा ये? तो अभी तक वहां केवल कौन बैठे थे? आपने बोला कि पब्लिक कंपनी का मालिक डायरेक्टर नहीं होता है बट प्रमोटर होता है, ठीक है? डायरेक्टर इज जस्ट एम्प्लॉई बट प्रमोटर उसका ऑनर होता है। और प्रमोटर क्या करता है कि कंपनी के सारे शेयर अपने जेब में रखता है और 10% से कम मालिक को मतलब बाजार में छोड़ देता है एज अ आईपीओ। इसको भी हमने तोड़ के अलग कर दिया। कैसे? कि अब यहां पर देवेंद्र मिश्रा का शेयर कितना था? 100%। लेकिन जब भी कोई व्यक्ति रामायणा के माध्यम से किसी भी फैक्ट्री में इन्वेस्टमेंट करता है तो वहां पर जो शेयर्स हैं वो उस फैक्ट्री के नहीं दिए जाते हैं, किसके दिए जाते हैं? रामायणा के शेयर्स दिए जाते हैं। इसलिए अब आपका भी यहां पर हिस्सा आने वाला है, राइट? तो अब बात करते हैं कि किस तरीके से रामायणा अपने शेयर्स को बांटता है। तो पहली बात, जो फैक्ट्रीज ओपन होंगी आपके पास प्रॉफिट कौन सा आता है? फैक्ट्री का, ना कि रामायणा का। कुछ आ रहा है यहां पर अभी? जितना भी पैसा आपने लगाया है, क्या आपने रामायणा में लगाया है? रामायणा में पैसा दिया है, पर पैसा कहां गया है? वो फैक्ट्री में। तो पैसा भी कहां से आ रहा है? उसी फैक्ट्री से नेट प्रॉफिट का निकालते हैं 55% और आपको बांट देते हैं। लेकिन जो रामायणा का मारा है, क्या उसमें से कुछ मिला आपको? नहीं मिला। चाहते हैं मिले, राइट? तो हमने यहां पर एक डोर ओपन किया है रामायणा के नेट प्रॉफिट का 30% हम पब्लिक में बांट रहे हैं, लेकिन ये लिमिटेड लोगों में रहेगा, राइट? जो अभी हमारी कंपनी अनलिस्टेड है तो हमारे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, कौन है हमारे एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर हैं, उन्हीं में से जो है मैक्सिमम 1000 लोगों को इसमें रखा जाएगा और कंपनी के नेट प्रॉफिट का सालाना 30% बराबर भाग में सबको बांटा जाएगा। लेकिन ये फ्री में नहीं होगा, राइट? अभी इसमें एंट्री करने के लिए आपको 2 लाख रुपए का अमाउंट देना है, जिसके बदले में कुछ आपको कंपनी अपने शेयर्स देगी और साथ में जो हमने आपसे बात की है वो एग्रीमेंट उसका साइन करके दोनों चीज आपको प्रोवाइड करेगी। कल दिन मैं नहीं रहा तो हमारी बात फिर कौन मानेगा, है ना? तो आपके पास कुछ ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि भैया जो मिश्रा जी बोल के गए थे वो हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। उसको करने के लिए जो लीगल ऑथेंटिसिटी है इन दोनों चीजों को करके, और ये पैसा आपको रिफंड नहीं मिलेगा। ये 2 लाख रुपए कहां गया? तो रामायणा के अपने एक्सपेंसिव होते हैं, जैसे कि ऑफिस का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, एम्प्लॉई का खर्चा, रेंट हो गया, ऐसे बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं। तो आज के डेट में 15 से 35 लाख रुपए के महीने का खर्चा रामायणा इंडस्ट्रीज का है। जैसे सर ने बताया कि 6500 स्क्वायर फीट में ऑफिस है तो 4 लाख रुपए तो मात्र रेंट जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जाती है, एम्प्लॉई है वहां के, वो जब यहाँ आते हैं तो उनको काम करना पड़ता है। तो ऐसे लगभग सारे एम्प्लॉई बटे हुए, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट अलग है, एचआर अलग है, अकाउंट अलग है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट बनाया गया है, उनकी सैलरी भी है। तो ये पैसा कौन देगा, राइट? इसलिए जो पैसा मेरे पास आने वाला था 100%, उसमें से मैंने 30% आप लोगों के साथ में शेयर कर लिया कि भाई साहब यदि जो व्यक्ति अभी हमें शुरू में फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे तो इस पैसे से कंपनी चल जाएगी। कब तक? जब तक कि रामायणा के पास अपने रिसोर्सेज या अपना प्रॉफिट गेन होना शुरू नहीं हो जाता तब तक के लिए। तो आज की डेट में रामायणा में मात्र 1000 में से 250 लोग ही आ पाए हैं और मैक्सिमम कितने होंगे यहाँ पे? 1000 लोग। और पहले फेस में हम यहाँ पर केवल 500 लोगों को ही रखने वाले हैं। तो ये जो 2 लाख रुपए आप देंगे वो हो जाएगा डे वन से 0, लेकिन मिलेगा क्या? अब आपको जीवन पर्यंत जब तक रामायणा एग्जिस्ट करेगा आपका पैसा आपके पास आए, मतलब 30% जो बांटा जाएगा जब तक आप जीवित हैं आपके पास आता रहेगा। आपके बाद आपके नॉमनी, मतलब आपके बच्चे जो भी उनको आपने नॉमनी बनाया होगा, तो नॉमनी टू नॉमनी आपकी पीढ़ियों तक पीढ़ी तक ट्रांसफर होता रहेगा। और सबसे बड़ी बात, यहां पर एक किसान की यदि हम बात करें या आम आदमी की बात करें, कौन है हम? आम आदमी जो बन गए का हम इंडस्ट्रियलिस्ट, राइट? एक आपको कहां कहां से पैसे आने की बारी आ रही, सुनिएगा। आपने जितने भी फैक्ट्री में पैसा डालेंगे ना, तो यहां से आपके पास पैसा आएगा। अब एक किसान आज अपनी दिहाड़ी करके या खेती किसानी करके अपना काम चला रहा है और उसी कमाई में से कभी 2500 रुपया, कभी 5000, कभी 10000